गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स में सरोवर विद्या विहार से गामित अमी तो हमने देखा था तनाव के बारे में ओके okay, तो तनाव की निशानियों के बारे में भी हमने देखा था तो हमें तनाव से मुक्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या करना चाहिए कि स्टॉप ओवर थिंकिंग स्टॉप ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए चलो वन टास्क एंड प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंगअप दैट माइंड द माइंड कैन द माइंड कैन समटाइम्स गो इन टू ओ ओ ओ ओवर थिंकिंग एंड यू केम टू द थाट कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कार्य कोई कार्य और प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा मन जो होता है वो ओवर थिंकिंग गो इन टू ओ ओ ओ ओवर थिंकिंग के ज़्यादा सोचने लगता है एंड यू कम टू द थाट और आपको ये विचार आता है कि आई विश देर वॉज अ स्विच इन माई हेड के अगर मेरे सिर में अगर मेरे सिर में माइंड को बंद करने के स्विच होती तो आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट कि मैं क्या करता कि सारे विचारों को क्या कर देता बंद कर देता ऑल द थाट्स गोइंग अराउंड इन माई माइंड कि मेरे माइंड में जो सारे विचार चल रहे हैं तो वो सबको मैं क्या कर देता बंद कर देता इट इज़ नॉट दैट इजी ये इतना सरल नहीं है देर इज अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग के आपके माइंड को हेल्प करे इसे यहाँ पर पद्धति दी गई है जो आप जब आप ज़्यादा सोचने लगते हो तो तब आपके माइंड को हेल्प करे इसे यहाँ पर तरकीबे दी गई है तो यहाँ पे देखो कौन कौन से तरकीबे है देखते हैं से से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे के आप अपने आप को दिन में बार बार कहते रहो आई हैव नो एक्सपेक्शन एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन के मेरे पास कोई उम्मीदें नहीं है और जो होगा वो मैं देख लूँगा वॉट वैन इट हैपन जो होगा जब होगा वो मैं देख लूँगा वैन यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू योर थॉट्स रन अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस ओ माई गॉड के वैन यू थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल डे के जब आप जब आप इन फ्रंट ऑफ यू के जो आपके सामने पड़ा होता है और वो तनाव से भरे दिन के बारे में जब आप सोचते हो योर थाट योर थाट्स रन अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस के आपका जो मन होगा आपका जो मन होगा वो तनाव से भरा होगा तब वो यही सोचेगा ओ माई गॉड आई हैव आई हैव सो मच टू डू के अरे भगवान मुझे तो बहुत सारा काम करना है आई मस्ट टू डू एक्स एंड वाई एंड जेड एंड आफ्टर दैट कि मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे एक्स वाई जेड ये सारे काम करने पड़ेंगे ए एंड बी नीड टू गेट शोटेड आउट एज वेल के और ए और बी तो बाकी ही रह गए ऐसा हम सोचते हैं आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल मुझे नहीं पता कि ये सारे काम मैं कैसे करूँगा आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू इट कि मेरे पास तो खाने का भी वक्त नहीं है आया समझ में कि जब आप अपने तनाव भरे दिन के बारे में सोचते हो तो आप क्या कहते हो कि आज तो मुझे बहुत सारा काम करना है एक्स वाई जेड ये सारा काम करना है और उसके बाद भी ए और बी काम तो बाकी ही है पता नहीं मुझे ये भी पता नहीं कि ये काम मैं कैसे करूँगा ओके okay, मेरे पास तो खाने का भी वक्त नहीं है तो जब हम ज्यादा सोचते हैं तो तब हमारी ऐसी कंडीशन होती है बेसिकली देंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज के सामान्य रूप से सामान्य रूप से आपका जब दिन दिन शुरू होता है आपका आपका दिन शुरू भी नहीं होता तब से आप पहले से ही क्या हो जाते हो मुरझा जाते हो यानी थके हुए महसूस होते हो वॉट इज हैपनिंग इज दैट योर माइंड इज रेसिंग अहेड ऑफ यू एंड एंटीसेप्टिंग हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अड क्या होता है कि क्या होगा क्या होगा यह सोचकर आप क्या करते हो कि क्या होगा यह सोचकर आपका जो माइंड होता है वो क्या करने लगता है रेसिंग अहेड आगे भगने लगता है एंड अहेड ऑफ यू एंड एंटीसेप्टिंग हाउ टायर्ड और आप पहले से ही सोच लेते हो क्या आप पहले से ही सोच लेते हो कि हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस यू विल यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड क्या पहले से ही सोच लेते हो कि जब मैं मेरा काम पूरा करूँगा जब मैं मेरा काम पूरा करूँगा तब मैं कितना थक जाऊँगा और कितना तनाव से भरा रहूँगा दिस फ्रेंटिक थॉट स्टार्ट्स विकनिंग योर एनर्जी एंड एज अ रिजल्ट यू आर एंटरिंग इन टू अ बिजी डे विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फ्रेंटिक फ्रेंटिक थॉट्स यानी जो पागलपन जैसे सोच विचार होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाते हैं हमारा जो शरीर होता है वो क्या कमज़ोर होने लगता है और आधे ही दिन में आधे ही दिन में आपकी जो आपकी जो आधे भाग की जो एनर्जी होती है वो कैसे हो जाती है पूरी हो जाती है देन वेन यू एंड अप अपटर्ड एट द एंड ऑफ डे यू सीम टू हैव रूड दैट यू वेर राइट ऑल अलोंग यू हैड अ ड्रेट फुल डे एंड यू फील फिजिकली ड्रेन और फिर बाद में और फिर बाद में जब दिन दिन पूरा होने आता है तब आप क्या क्या हो जाते हो के शटर्ड शटर्ड एट द एंड ऑफ द डे के आप जैसे टूट ही जाते हो एंड यू सिम टू हैव प्रूव दैट यू विल राइट ऑल अलॉन्ग और फिर आप ये साबित करने के लिए ये साबित करने लगते हो कि आपने जो किया वो सब कुछ सही था यू हैड अ ड्रेट फुल डे कि आपका जो दिन था वो बहुत ख़राब पास हुआ एंड यू फिर फिजिकली ट्रेन और फिर आप शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से शक्तिहीन बन जाते हो कि आप क्या सुतने लगते हो पूरे दिन में अब जब जब आप ज़्यादा सुतने लगते हो तो क्या होता है कि दिन शुरू भी नहीं होता और आप लोग क्या आप क्या करते हो कि मुरझा जैसे जाते हो सोच में पड़ जाते हो इसलिए आपका जो माइंड होता है वो पहले से ही क्या कर सकता है कि पहले से ही विचारों की दौड़ में रेस लगाने लगता है और फिर आपने अभी कुछ काम भी नहीं किया उसके पहले आप सोचने लगते हैं कि मैं ये काम करूँगा ये ये काम करूँगी तो मैं कितनी थक जाऊंगी और ऐसे पागल जैसे पागलपन जैसे सोच की वजह से ही आपकी जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है सामान्य रूप से जो ऊर्जा होती है वो पूरी हो जाती है और फिर आप कमजोर होने लगते हो ओके okay? और आपको जब दिन पूरा होने वाला होता है तब आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिन आज तो बहुत खराब गया और आप ये सोचते हैं कि मैंने आज जो भी किया वो सब कुछ सच ही किया ओके इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द बिजी डे के कोई कोई दिन की कोई व्यस्त दिन की शुरुआत में कोई व्यस्त दिन की शुरुआत में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल कि हमारी जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग कैसे करते हैं कि आई हैव नो एक्सपेक्शन कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन वेन इट हैपन और हम क्या सोते रहते हैं कि जो भी होगा जैसे होगा मैं उसके मैं उसे समझ लूँगी ओके वेन इट हैप्पन्स एज अ फॉर्म ऑफ मंत्रा के जब ये जब ये जब यह मंत्र के अनुसार से जब इसमें मंत्र का उपयोग होने लगता है आपको लगेगा कि आपको लगेगा कि यू विल नोटिस हाउ योर बॉडी स्टार्ट रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्शन के जब यह मंत्र के रूप से आप यूज़ करने लगोगे कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं है जो होगा वो देखा जाएगा तो उसे आपको बहुत रिलैक्सेशन आपको बहुत आराम आराम जैसा लगेगा और आपको आपको ऐसा ही सोते रहना है कि मुझे अभी भी कोई उम्मीद नहीं है दिस रिलैक्सेशन टेल्स यू दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी और ये आराम ये आराम की वजह से ये आराम आपसे ये कहेगा कि आपने अभी आपकी जो एनर्जी महत्व रूप जो ऊर्जा है उसे आपने बर्बाद होने से बचा लिया है रोक लिया है यू विल फील कालमर मेंटली एंड इमोशनली एज अ कॉन्सिक्यूसनेस और फिर क्या होगा कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से शांति का एहसास करोगे ओके काल यानी शांति ओके आया समझ में तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप अगर ये मंत्र माइंड में रखोगे कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है जो होगा जब होगा वो देखा जाएगा तो ये मंत्र से आप अपने मानसिकता और भावनात्मकता को क्या कर सकते हो शांत कर सकते हो ओके okay? चलो सेल्फ हाइपोसिस चलो स्टॉप ओवर थिंकिंग में क्या बताया गया है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए आपको बार बार अपने आप से क्या कहना चाहिए कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है जो होगा जब होगा वो दिखा जाएगा अगर आप ये मंत्र ये मंत्र लेकर आप मन में चलोगे तो क्या होगा कि आपका जो आपका जो मानसिक तनाव है वो अपने आप कम हो जाएगा ओके चलो अभी यहाँ पे देखो सेल्फ हाइप सेल्फ हाइपनोसिस सेल्फ हाइप्नोसिस यानी आत्मा सम्मोहन ओके चलो अभी सेल्फ हाइपनोसिस यानी आत्मसम्मोहनता आत्म आत्मसम्म, सम्मोहन में हमें क्या करना है देखो यू कैन यूज दिस सेल्फ हिप्नोसिस टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस के हमें मानसिक तनाव को कम करने के लिए हमें सेल्फ हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस का उपयोग करना हम उपयोग कर सकते हैं ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज के नीचे दिए हुई एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए इट बिकम्स जियर विथ योर आईज क्लोज और ये जब आप आंखें बंद कर लोगे तो आंखें बंद करके जब करोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा चलो सेटल बेक इन अ चेयर योर आइज के कुर्सी में पीछे से बैठ जाओ और आंखें बंद करो स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम नाइनटी नाइन तो टू सेवेंटी काउंट स्लोली फिट इन विथ योर ब्रीथिंग कि क्या करना चाहिए आपको के नाइन्टी नाइन से सितर तक उल्टी गिनती करनी है और धीरे से सांस लेना है चलो आगे नाउ काउंट डाउन फ्रॉम सिक्सटी नाइन टू थर्टी वाइल इमेजिनिंग वॉकिंग डाउन टू द स्टेप्स ऑफ द ब्यूटिफुल स्टेरकेस कि अभी आपको क्या करना है कि सिक्सटी नाइन से थर्टी के तक आपको काउंट करना है और इमेजिन कल्पना करनी है कि आप लिफ्ट पर से नीचे उतर रहे हो फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विथ ब्रीथिंग और फिर ऐसा एहसास करो कि आप श्वास लेते लेते आप अपने समय के साथ चल रहे हो सी द ब्यूटिफुल ग्रांड स्टेरकेस स्ट्रीचिंग अहेड ऑफ यू और फिर क्या सोचो कि सुंदर ये जो सीढ़ी है वो नीचे की तरफ आ रही है इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड सो दैट योर प्रोग्रेस इज एज एफर्टलेस एज पॉसिबल क्या करना चाहिए कि आपको ये कल्पना करनी चाहिए कि आप जब नीचे उतर रहे हो आप जब नीचे उतर रहे हो तो वहाँ पर क्या बिछाया हुआ है कारपेट बिछाया हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो प्रगति है तो वो क्या हो जाए कि आपकी जो प्रगति है वो एफर्टलेस यानी बिना बिना परि बिना प्रयत्न के हो जाए ओके चलो अभी काउंट डाउन फ्रॉम ट्वेंटी नाइन टू ज़ीरो वाइल इमेजिनिंग ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जरियस लाइफ के अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको जीरो से ट्वेंटी नाइन तक गिनती करनी है और क्या करना चाहिए कि उसके उसके साथ क्या करना चाहिए वाइल्ड इमेजिनिंग ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जरियस लिफ्ट के हमें क्या करना चाहिए कि एक एक जो लग्जरियस लिफ्ट होती है तो एक लग्जरियस लिफ्ट में क्या होना चाहिए कि उसमें से हम उतर रहे हैं और उनतीस से ज़ीरो तक जीरो तक काउंट कर रहे हैं फिर क्या होगा कि कारपेटेड विथ व्यू ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड वॉच द डिस्क्रिस इज नंबर अलोंग विथ एवरीथिंग और फिर ये जो ये जो नंबर है ये जो नंबर है उसे उसे एडजस्ट करते रहो कि उसे क्रम में सोचते रहो और फिर उसमें से एक-एक एक एक दूरी कम हो रही है ऐसा सोचते रहो एज यू अराइव एट जीरो द लिफ्ट डोर ओपन एंड यू एंटर अ रूम दैट इज़ फर्नीश्ड जस्ट अ जस्ट as you वुड लाइक इट के जैसे ही आप ज़ीरो तक पहुँच जाते हो लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और फिर आप एक रूम में एंटर करते हो और वो रूम जो था वो फर्नीचर से बहुत अच्छा सजाया था इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंगस इन इट एंड इट इज टोटली प्राइवेट के वो रूम में आपके आपको जैसे पसंद होती है वही चीज़ थी पर वो जो रूम जो था वो कैसा था प्राइवेट था फाइंड अ कम्फर्टेबल फाइंड अ कम्फर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन इट के आप अपने रूम में अच्छी एक चेयर ले लो और फिर उसमें से आराम से बैठ जाओ रिमेन धेर इन योर इमेजिनेशन अनटिल यू फील रेस्टेड एंड रिफ्रेस्ड धैन ओपन योर आइज अगेन फिर आपको क्या करना है कि आराम और ताजगी का एहसास के जब तक इमेजिनेशन यानी कल्पना के जब तक रेस्टेड रेस्टेड यानी आराम और रिफ्रेस्ड यानी आरामदायक के जब तक आपको आराम और ताजगी का एहसास ना हो धैन ओपन योर आइस अगेन तो आपको क्या करना है वापस अपनी आँख खोल देनी है ओके आया समझ में कि जब तक आपको जब तक आपको इमेजिनेशन कल्पना ना हो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आराम और ताजगी आराम और ताजगी जो दिखाई दे रही है तो अगर आपको स्पष्ट रूप से ना दिखाई दो तब तक आपको क्या करना है कि आंखें ही रखनी है और जब तक आपको जब आपको ये सब कुछ दिखाई दे तब आपको आप आपकी आंखें खोल देनी है ओके चलो अब यहाँ पे है कि स्क्रीन एक्सरसाइज स्क्रीन एक्सरसाइज तो स्टूडेंट आज हमने जो हमारा जो हमारा जो स्ट्रेस होता है तो उसे कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो हमने आज क्या किया आज दो टॉपिक के बारे में पढ़ा क्या था एक तो आत्मसम्मोहन के सेल्फ हिप्नोसिस और स्टॉप ओवर थिंकिंग ये दो हमने टॉपिक पढ़े तो आपको वापस एक बार पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं ओके